मुझे आज भी वो दिन याद हैं जब रिफ्रेश करने से आपका पीसी और फास्ट हो जाता था, जब इंटरनेट से आप रैम डाउनलोड कर सकते थे, जब जस्ट वन क्लिक से आपका पूरा सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाता था। वो भी क्या दिन थे। मेरी पूरी मेहनत इसी काम में लगी होती थी कि यार अपने पीसी को मैं कैसे और ज्यादा तेज करूं। अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन वाली ऐप से डाउनलोड करने, कुछ तो रैम क्लीनर होते थे, किसी में सीपीयू बूस्टर लगा होता था, मतलब ऐसी चीजों के ऊपर बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो वो टाइम था जब ऐसी एप्स की काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी। उनमें से कुछ एप्स थी जैसे कि सी क्लीनर, जिसका एक ऐसा टाइम आया था कि भाई वो टॉप ऑफ द चार्ट रहती थी ऐप। लेकिन जब लोगों को पता लगा कि ऐसी एप्स सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो उसके बाद इन चीजों में काफी ज्यादा डिक्लाइन आने लगा। और विंडोज 10 के आने के बाद आई थिंक ऐसी चीजों की डिमांड तो बहुत ज्यादा कम हो गई, बिकॉज ये खुद ही इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज रहती है, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ऐसी एप्स काफी ज्यादा हेल्प कर देती हैं, और इन एप्स से आपके पीसी की परफॉर्मेंस पर भी इम्पेक्ट पड़ता है। और ऐसी ही एक एप्लीकेशन का नाम है ब्लीच बिट, और ये काफ़ी अच्छी ऐप है और मैं पर्सनली इस ऐप को बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है यार, मैं बाकी ऐप पर कुछ ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, स्पेशली रैम डाउनलोड करने वाली और सीपीयू बूस्टर पर, लेकिन ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के मामले के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। प्लस इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके साथ आपकी परफॉर्मेंस पर भी इम्पेक्ट पड़ता है। देखो, पीसी में अगर कोई सबसे स्लो कंपोनेंट की बात करें तो वो होती है आपकी स्टोरेज, यानी कि हार्ड ड्राइव या SSD। आपके बाकी हार्डवेयर के कंपैरिजन जो स्टोरेज वाला हार्डवेयर होता है वो हमेशा स्लो होता है। इसी वजह से रैम एग्जिस्ट करती है, सो दैट कि जो प्रोग्राम है वो आपकी ड्राइव से आपकी रैम में चले जाएं और वहां से किसी भी प्रोसेसर को वो चीजें एक्सेस करना ज्यादा इजी रहे। इवन दो SSD से काफी ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट मिला है, लेकिन एक चीज बिल्कुल चेंज नहीं हुई, और वो थी कि जैसे जैसे आपकी जो स्टोरेज है वो फिल होती जाएगी, वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाती जाएगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे उन फाइल्स को एक्सेस करना और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। जैसे जैसे फाइल्स का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उन फाइल्स को एक्सेस करने में और ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पर जो आपकी स्पीड होती है ड्राइव की वो भी काफी ज्यादा नीचे चली जाती है। इसी वजह से अगर आप अपनी ड्राइव को टेस्ट करके देखते हो तो वहां पर भी आपको स्पीड का डिफरेंस पता लग जाता है। काफी लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज उनको वो चीज समझ नहीं आती। बेसिकली आपको सिक्वेंशियल रीड एंड राइट के बारे में बताया जाता है, जो कि आजकल की SSD में काफी ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम रैंडम की ओर बढ़ते रहते हैं और फाइल साइज जो है वो कम होता जाता है, वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है वो भी और ज्यादा कम होती जाती है, और आप देख सकते हो कि डिफरेंस यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो इसी वजह से जितनी भी जंक फाइल्स हो गई या टेम्परेरी फाइल्स होगी जो आपके ब्राउजर की फाइल्स हैं, उनको डिलीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी ड्राइव जितनी ज्यादा खाली रहेगी उतना ज्यादा आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, और ऐसे केस में आप एक एक करके तो सारी फाइल डिलीट कर नहीं सकते और आपको ये पता भी नहीं रहता कि यार फाइल कौन सी डिलीट करनी है। उस पॉइंट पर ये एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस जिस चीज को आप क्लीन करना चाहते हो, जैसे मैं क्रोम की कैश मेमोरी कुकीज हो गई या उसकी हिस्ट्रीज हो गई, इवन जो सेशन होते हैं मैं उनको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं वो चीजें सिलेक्ट कर लूंगा। इवन सिस्टम की अगर बात करें तो आप यहाँ पर अपना क्लिपबोर्ड क्लियर कर सकते हो, मेमोरी डंप जो होता है, प्री फेच रिसाइकल बिन, टेम्परेरी फाइल्स यहाँ से क्लीन कर सकते हो, विंडोज की जो अपडेट आपको मिलती हैं वो भी यहाँ से आप क्लीन कर सकते हो। और जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने विंडोज 11 से विंडोज 10 में मूव किया, तो जो विंडोज 11 की टेम्परेरी फाइल्स थी वो भी मैंने इसी से क्लीन करी हैं, और ऐसे में फ्यूचर जो अपडेट आती हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी जैसे मैंने जो सिलेक्ट किया है उसको प्रिव्यू किया है और इसने बता दिया कि इतनी स्पेस जो है मेरी ड्राइव से रिकवर हो जाएगी और इतनी फाइल्स जो हैं वो डिलीट होंगी, उसमें से इतने ज़्यादा स्पेशल ऑपरेशन हैं। डेट मीन्स कि इतनी फाइल्स जो हैं उनको रीड करने में आप समझ सकते हो कि कितनी मुश्किल लगती होगी जब भी आप फायरफॉक्स ओपन करते हो, और ये सारी की सारी ना टेम्परेरी फाइल्स हैं, और जब आप चीज़ें यूज़ करते जाते हो ओवर द टाइम ये फाइल्स और ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। ऐसे में आप इस ऐप का यूज़ करके जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं उन्हें डिलीट कर सकते हो, और ये एक वन क्लिक ऑपरेशन है, मतलब आपको अलग अलग फाइल्स ढूंढनी नहीं पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात ये फ्री
ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, मतलब आप इस पर आंखें बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हो। खैर, ये एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है जब आप खुद ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो मेक श्योर इस एप्लीकेशन को एक बार ज़रूर ट्राई करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हमेशा चलता ही रहता है, प्लस वहाँ पर छोटे मोटे गिव अवेज भी होते ही रहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा होता है मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।